मैं छपरा से आया हूँ, जो बिहार स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं फिस्टुला से पीड़ित था। पटने में, बिहार की राजधानी पटने में से मैंने मिला, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद ज़ख़म बहुत मेजर था, उसको भरने में 7-8 महीने लग गए। रोज़ाना ड्रेसिंग करता था मैं। ऐसा हुआ, 1.5 साल तक हम बहुत परेशान रहे। इसी बीच में दैनिक जागरण डेली न्यूज़पेपर है, हॉस्पिटल का हमको देखने को मिला। पढ़ने के बाद एडम डॉक्टर आशीष भनोट से ऑनलाइन कॉन्टेक्ट किया, मैं यहाँ आया। कोई तकलीफ हमको नहीं मालूम हुई। फ़र्क है, उसमें तो बहुत तकलीफ़ हमको हुई, बहुत ब्लीडिंग हुई। इसमें ज़्यादा से ब्लीडिंग नहीं देखने को मिला, और कोई तकलीफ़ नहीं, कोई ज़ख्म नहीं, और ना कोई ख़ास ड्रेसिंग हमको करना पड़ा, बल्कि नहीं के बराबर ड्रेसिंग करना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल करना ही नहीं पड़ा हमको। ज़ख्म जहाँ से भी दिखाई नहीं दिया। तो पिछली बार जब हो रहा था तब क्या होता था? हॉस्पिटल से 10 रोज के बाद हम रिलीव हुए, और उसके बाद डेली घर पे ड्रेसिंग हमको करना पड़ता था। करीब 7-8 महीने तक ड्रेसिंग होती रही रेगुलर, तब जाके जख्म भरा, फिर धीरे धीरे करके रिसाव शुरू हो गया। खाना ही नहीं चाह रहे थे ये। हम तो इतना नर्वस हो गए थे कि हम फिर दोबारा किसी डॉक्टर से मिलना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए कि एक दो जगह मालूम किए तो वो लोग बताया कि ऑपरेशन के सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। ये कह रहे थे कि मर जाएंगे दोबारा होगा ऑपरेशन नहीं करेंगे। हिम्मत ही नहीं कर रही थी, एकदम हिम्मत पस्त हो गई थी। जब मालूम हुआ कि एंडोस्कोपी और लेजर के जरिए ऑपरेशन होता है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, तो हमको बहुत हिम्मत हुई और हम यहाँ चले। आने जाना सुपर फास्ट, तो 70 घंटा ट्रेन लगाती है, और जो दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें तो 20 से 25 घंटा लगता है। आराम से आते थे हम,